नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से। तो आपको फिर एक नए वीडियो के साथ आए आज चंदन के बारे में, और चंदन के बारे में नहीं, जो भी बागवानी कर रहे हो सभी के लिए है ये वीडियो। जो बागवानी से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपके पेड़ों की ग्रोथ भी होगी सही समय पे, और चंदन के प्लांट की ग्रोथ होगी। जो कोई सी भी खेती कर रहे हो बागवानी से रिलेटेड है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। जानकारी है कि किस प्रकार से हम इसका खाद मैनेजमेंट का करें, क्योंकि सबसे समस्या आती है लोगों को खाद मैनेजमेंट में, हम इसकी केयर नहीं कर पाते चंदन के प्लांट की, तो ये ग्रोथ करने में थोड़ी समस्या आएंगी आपको। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे चंदन के प्लांट। देखिए एक बार चारों तरफ से दिखाओ प्लांटों को, एक बार पास से दिखाइए, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस बार आपको पता है गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ी है, तो काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। जो मैंने ये बताया, कई बार अपडेट भी दिया है मैंने, हमारे यहाँ पे सॉरी पानी की शॉर्टेज भी हुई थी। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से खाद मैनेजमेंट का चंदन के प्लांट का। दोस्तों ऐसी बात है, इसको ज्यादा मैनेजमेंट खाद मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपको साल में एक बार इसमें खाद देना चाहिए। और इसके लिए कौन सा खाद डालना है, सबसे बेस्ट तो हम जो देसी खाद है उसी को डालना चाहिए, देसी या वर्मी कंपोस्ट का खाद हो आपके पास उसको यूज कीजिए। लेकिन जैसे आप थोड़े प्लांट हो तो यूज कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा प्लांट है तो थोड़ी समस्या हो जाती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आप यदि गोबर का भी यूज कीजिए, देसी गोबर को, जो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है किस प्रकार से डिकम्पोज किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है खाद। तो सबसे पहले ये है, अब क्या बारिश का मौसम है, हमें खाद डालना होगा प्लांटों के अंदर, तभी ग्रोथ करेंगे। हमने देखिए सभी प्लांटों के अंदर खाद डाल दिया है। किस प्रकार से डाला है एक बार पास से दिखाइए। देखिए जैसे चंदन का प्लांट है, हमने इसके चारों तरफ से, बारिश का मौसम है, इसकी मिट्टी चढ़ाई है चारों तरफ से, और ज्यादा गहरी खुदाई नहीं की इसकी, केवल हमने 2-3 इंची तक खुदाई करके ये खाद डाला हुआ है। और इसको चारों तरफ से अच्छा इसके ऊपर हम ये धोब होंगी ये सब इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इसमें नमी भी बनी रहेगी और ये अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। तो हमें क्या है, चंदन की गहरी खुदाई नहीं करनी दोस्तों, सबसे मेन दिक्कत ही आएंगी। और प्लांटों के अंदर आज जैसे नींबू है, कई प्लांट है जिनके अंदर गहरी खुदाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चंदन के प्लांट को अंदर ज्यादा गहरी खुदाई करोगे तो इसकी जड़ें क्या होती है, ऊपर की तरफ रहती है, ज्यादा जड़ गहरी नहीं जाती है, तो इनको डैमेज होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये होस्ट का कनेक्ट करता है। जैसे ये प्लांट है, इससे इसका होस्ट है तो इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है, तो इस पर डिस्टर्ब होगा। तो हमें इसके ज्यादा दूरी गहरी खुदाई नहीं करके इसके चारों तरफ से रिंग बनानी है, जो पेड़ से तने से कम 1.5 फीट दूरी पे, जैसे पेड़ होता है उसके हिसाब से, जैसे उसके हिसाब से रिंग बनानी है चारों तरफ से, और उसके अंदर डाल के गोबर का खाद। और यदि आप जो जीवामृत का यूज कर सकते हो वो भी काफी बेस्ट परिणाम है, यानी ऑर्गेनिक चीजें डालने की कोशिश करना दोस्तों। ज्यादा आप रासायनिक दवा मत डालना चंदन के अंदर, क्योंकि ये एक नेचुरल खुशबू आएंगे ना, तो हर चीज को आपको पता है कि हम कोई सी भी खेती करते हैं, यदि हम उसके अंदर रासायनिक खादों का ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उसमें वो महक नहीं आती दोस्तों। जो नेचुरल महक आती है ना, किसी भी सब्जी के अंदर देख लो, आपको किसी भी चीज को देख लो, उसके अंदर वो महक खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही चंदन के साथ बताते हैं वैज्ञानिक, यदि आप इसको रासायनिक दवा ज्यादा यूज नहीं करनी है, इसको अंदर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है, सब जानते हो कि ये इसके जो प्लांट है इसके होस्ट की जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं दूसरे प्लांट से ले लेता है। और ऐसे प्लांट हम इसके होस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, वो आप आई बटन पे देखिए या चैनल पे जाके देखिए, अलग अलग वीडियो डाल रखा है अलग अलग होस्ट के बारे में, और भी इस पे भी हम होस्ट के बारे में भी एक वीडियो और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो हम बात करते हैं कि खाद मैनेजमेंट आपको इस प्रकार से खाद मैनेजमेंट करना है, खुदाई ज्यादा नहीं करनी है। यदि खरपतवार भी इसके आसपास हो रहा है तो आप हल्के से हटाना है, ज्यादा गहरी खुदाई नहीं करनी, ज्यादा खरपतवार हटाने की जरूरत नहीं होती चंदन को। हमने ये बारिश से पहले खुदाई अभी की है, जैसे अब इसके ऊपर जो भी खरपतवार होंगी उसको ज्यादा हाथों से रिमूव कर देंगे, ज्यादा इसको गहरी नहीं करेंगे, सभी प्लांटों की हमने इसी प्रकार से कर रखी है। तो चंदन से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और कई एक साल से हम कई वीडियो अपलोड कर दिए चंदन रिलेटेड। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा, क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना दोस्तों, जो रियल इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी जो भी हमें समस्या आती है, एक बार पास से दिखाओ, देखिए जैसे हमने ये होस्ट है इसको काट दिया, क्योंकि काफी ये देसी बबूल है तो ये काफी हाइट इससे चंदन से ज्यादा ऊपर हो रही थी, तो हम इस चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे होस्ट मजबूत होस्ट है ये, तो इसको हमने काट दिया और अब ये चंदन के नीचे डाउन में ही रखना है इसको, तो ये इसका काफी पोषक तत्व देगा, और इसके देखना अभी ये
जो इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, बाकी किसी भी प्लांट में ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आप चंदन की खेती करते हो तो इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक खाद ही डालना है हमें। तो चंदन से रिलेटेड वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।